दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स के बारे में और सीएसएस के सिंटेक्स के बारे में कि हम सीएसएस को कैसे अपने वेब पेज पे कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम सीएसएस को अपने वेब पेज पे कौन कौन से वे से हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, सीएसएस को हम थ्री वे से इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। एक या तो हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना के कर सकते हैं, या फिर इंटरनली हम एचटीएमएल फाइल के अंदर ही हम सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनलाइन स्टाइल कर सकते हैं, यानी कि हम किसी टैग के अंदर ही स्टाइलिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं सीएसएस की। तो चलिए इनका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें से तीसरा जो इनलाइन स्टाइल है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं अपने वेब पेज पे, इस सीएसएस को हम चलिए इसका डेमो देखते हैं। दोस्तों, ये मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। अब हम इनलाइन स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इनलाइन का मतलब ये होता है कि हम किसी टैग के अंदर ही उसकी स्टाइलिंग कर दें, यानी कि किसी स्पेसिफिक अगर हमें टैग की स्टाइलिंग करनी हो, जैसे कि इस पैराग्राफ टैग की हमें स्पेसिफिक स्टाइलिंग करनी है, तो हम इस टैग के अंदर ही स्टाइलिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। तो हमें इनलाइन स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं स्टाइल यहाँ पे इक्वल्स टू। अब हम इसमें क्या स्टाइल करना चाहते हैं, जैसे कि कलर जो है टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड हो जाए, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं कलर इसकी प्रॉपर्टी होगी और रेड इसकी वैल्यू होगी। अब इसको सेव करके इसकी आउटपुट को हम देखते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हमने पहला इनलाइन स्टाइल जो लगाया उससे ये इसकी कलर की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। तो आप ये इजीली देख सकते हैं कि ये एक इनलाइन स्टाइल है। आप किसी भी टैग में आप इंडिविजुअल लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टाइल कलर इसको कॉपी करके यहाँ पे कलर इसका हम ग्रीन कर दें। इसकी आउटपुट को हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करिए, ये देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया। तो ये थी इनलाइन स्टाइलिंग, यानी कि हम किसी टैग के अगर अंदर ही उसकी स्टार्टिंग टैग के अंदर ही हम उसकी स्टाइलिंग करते तो ये होती है इनलाइन स्टाइलिंग। अब हम देखते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग ये होती है कि हम यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर जो स्टाइलिंग करते हैं किसी टैग की या फिर किसी एलिमेंट की, यहाँ पे अगर हमें उसकी स्टाइलिंग हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो वो होती है इंटरनल स्टाइल शीट। जैसे कि पिछले भी वीडियो में आपने जो देखा था, जो भी स्टाइलिंग हमने किया था स्टाइल टैग के अंदर वो थी इंटरनल स्टाइलिंग। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक समझा देता हूँ। इंटरनल स्टाइलिंग को आप यहाँ पे सेलेक्टर्स के हेल्प से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता सेलेक्टर क्या होते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो सिलेक्टर थे उसमें एलिमेंट सिलेक्टर थे, आईडी सिलेक्टर था और क्लास सिलेक्टर था। अब यहाँ पे जो सिंपल मैंने यहाँ पे ये जो एलिमेंट टैग, ये जो टैग है, जो एलिमेंट है हमने डायरेक्ट उसको एसटीज यहाँ पे लिख दिया, तो ये एलिमेंट सिलेक्टर है। अगर हम यहाँ पे हैश लगा दें तो ये आईडी सिलेक्टर हो जाएगा, अगर यहीं पर डॉट लगा दें तो ये क्लास सिलेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा अगर हम आईडी और क्लास सिलेक्टर यूज करते हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख देते हैं H1। अब हम इसकी कलर को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको ब्लू, इसकी कलर को ब्लू कर दिया। अब इसकी आउटपुट को चेक करते हैं, ये देखिए जो हमने H1 टैग में जो लिखा था ये ब्लू में हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इनलाइन स्टाइलिंग हुई है इसकी वजह से ये इन सब का कलर ये रेड और ग्रीन था, ये एक इंटरनल स्टाइलिंग हुई है, तो यहाँ पे ये स्टाइल टैग के अंदर हमने लिखा है तो इसका कलर ब्लू हो गया। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में। तो दोस्तों, जब हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट जब हम अपने वेब पेज पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी होती है जो सीएसएस की फाइल होती है, फिर हम उसको अपने इस एचटीएमएल पेज पे लिंक कर देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करिए न्यू बटन पे, यहाँ पे आप जैसे कि हमें स्टाइलिंग करनी है यहाँ पे एक और हम यहाँ पे टैग ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे हम H2 टैग ले लिए, दिस इज H2 टैग फॉर एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इसे आपको ये इजीली समझ सकते हैं। तो हमें H2 की करनी है स्टाइलिंग, तो यहाँ पे हम H2 जैसे एच डी
आपको ये याद रखना, जिससे जैसे हम यहाँ पे स्टाइल के अंदर लिखते थे किसी टैग की स्टाइलिंग यहाँ पे करते थे, वैसे ही एसटीज हमें यहाँ पे सिर्फ लिख देना है उसका टैग, या फिर जैसे भी आप क्लास या सेलेक्टर जो भी यूज करते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर हम इसकी कलर को चेंज करना चाहें, कलर में हम यहाँ पे दे देते हैं ग्रे। अब इसको सेव करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जहाँ जो भी आपने HTML फाइल बनाई है उसी के सेम लोकेशन पे आप CSS की फाइल बनाएं, या फिर अगर कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करते हैं तो आप सबको एक ही जगह रखें, तो आपके लिए आसानी होगी। आप कॉपी करके कहीं पेस्ट करके आप सीधे सीधे उस फाइल को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका किसी और लोकेशन पे आपकी HTML फाइल है, CSS फाइल कहीं और है, आपकी इमेज कहीं और है, तो आपको उसका पाथ लाके आपको HTML फाइल में पेस्ट करना पड़ता है। ये चीज़ मैंने आपको पिछले HTML की सीरीज में आपको बताया था कि एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम इस CSS की फाइल को यहाँ पे सेव करते हैं, स्टाइल डॉट CSS, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन डॉट CSS इसका एक्सटेंशन लगाना ना भूलें। आप इसको सेव कर लीजिए। हमने ये H2 पे स्टाइलिंग कर ली और इस फाइल का नाम है स्टाइल डॉट CSS। अब इस पेज पे हम इसको कैसे लिंक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे हमें हेड टैग के अंदर और स्टाइल टैग के बाहर ही हमें यहाँ पे एक टैग लगाना होता है लिंक। इसका कोई पेयर टैग नहीं होता, ये सिंपल एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप इसको ब्रेक क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टाइप करना होता है रिलेशन स्टाइल शीट, फिर हमें यहाँ पे देना होता है टाइप, ये किस टाइप की फाइल है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि वो टेक्स्ट है और CSS फाइल है। एंड देन अब हमें उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, यानी कि उसका एड्रेस देना पड़ेगा कि वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं एच रेफरेंस इक्वल्स टू फाइल का नेम क्या था, ये स्टाइल डॉट CSS। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एज इट इज, यहाँ पे केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आप कैपिटल में लिखते हैं तो शायद ये आपकी फाइल यहाँ पे वर्क ना करें। तो आप जिस जैसे आपने उसकी फाइल क्रिएट की है एज इट इज यहाँ पे क्रिएट करके आप यहाँ पे टाइप करिए, जरा सा भी मिस्टेक ना करिए। और इसको सेव करके इसकी आउटपुट को हम देखते हैं। ये देखिए ये हमारी स्टाइल शीट जो है वो इंसर्ट हो गई है, यानी कि ये ग्रे कलर में ये सारा टेक्स्ट हमारा आ रहा है। तो दोस्तों आपने इस तरीके से देखा कि हम अपने HTML फाइल में या फिर वेब पेज पे कैसे हम इंटरनल इनलाइन और एक्सटर्नल स्टाइलिंग करते हैं। दोस्तों इसमें समझने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी तीनों में से किसकी मिलती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ये पैराग्राफ तक टैग पे हमने इनलाइन भी लगा दिया, फिर पैराग्राफ टैग पे हमने इंटरनल भी लगा दिया स्टाइलिंग, और यहाँ पे भी हमने एक्सटर्नल फाइल में भी हमने पैराग्राफ की स्टाइलिंग कर दी, तो तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करेगा, कौन सी वो स्टाइलिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें जो इनलाइन आपने जो स्टाइलिंग की है वो सबसे हाई प्रायोरिटी रखता है, तो आप यहाँ पे जो सेट किए रहेंगे वही उसकी स्टाइलिंग होगी, यहाँ की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इग्नोर हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी